जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से। गाइस, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं महादेव की नगरी केदार घाटी से। मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है, एकदम धूप लगी है कड़ाके वाली, देख सकते हैं। और मौसम देखो, एकदम सुहाना मौसम हो रखा है। तो गाइस, अब हमारी भी तैयारी हो गई है, लगभग 12:30 हो चुके हैं। तो अब हमारी तैयारी हो गई है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने के लिए। तो चलते हैं फटाफट से और आपको भी सुनाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तो अगर आपने अभी तक विपिन पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दे और ढेर सारा प्यार दीजिए। जय श्री राम। तो बाकी देखो, अभी हम आ चुके हैं इधर पे। तो मैंने अपनी गाड़ी लगाई है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो जगह नहीं मिली, एकदम फुल है। और यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगाई है, तो अब चलता हूँ फटाफट। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तभी देखो आ गया हूँ मैं, आज अकेला आया हूँ। अभी कुछ लोग आ रहे होंगे तो आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। तो बाकी अभी ये वो विपिन भाई ने मेरे पास ही झाड़ू दिया है, नीचे पे था उनका, लेके आ रखे, यहाँ से ऊपर उनके पास देना है और चलते हैं। तो पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से भागवत कथा सुनने के लिए जाना पड़ता है। तो बाकी रास्ता इस प्रकार से है और एक खूबसूरत सा नज़ारा है हमारे केदार घाटी का। बाकी देखो, अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज हम काफी जल्दी पहुँचे हैं यहाँ पे और बाकी बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। तो आप भी सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देख सकते हैं अभी काफी सारे लोग आ रहे हैं और ये हमारे ताऊ जी और ये बुजुर्ग बॉडा जी भी आ रहे हैं। तो बाकी देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो चुकी है कथा। मथुरा लौट आए हैं, मथुरा में अपनी दिनचर्या बड़े उद्विग्न चित्त से बिता रहे हैं। अब माता यशोदा नहीं है, अब माता देवकी है। हे परीक्षित, हे गुरु नंदन, ये मानवीय स्वभाव है और विकसों का आना जाना लगा रहता है।
दिन बीत कर अभी लगा था अभी भीड़ कम पक्ष बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, समय समय में अंतर आ जाता है। बलराम जी भोजन करते हैं, बलराम जी हृदय के बीच निष्ठुर है, कठोर हृदय है, लेकिन भगवान कहते लाल की जय। हम साकार रूप लेकर के मूर्ति की विधिवत विधिवत पूजा करते हैं, वही मूर्ति हमारे मन में मन हमारे हृदय में विद्यमान होती है। तो उद्धव जी को बुलाते हैं, उद्धव जी मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव के अज्ञान की गांठ को खोलना चाहते हैं, वही जाके अज्ञान की गांठ खुलेगी। उद्धव जी को पता चल जाएगा कि कौन ब्रह्म सही है, किस ब्रह्म को माना जाना चाहिए। उद्धव जी ने कहा महाराज आपकी जैसी आज्ञा में जाऊंगा। अब जब उद्धव जी ने प्रस्थान कर दिया गोकुल के लिए, वृंदावन के लिए, ब्रज के लिए, तो इधर थोड़ा भोजन लेना शुरू कर देते हैं। माता देवकी बात करने के लिए जाती है लेकिन बहुत कम होते हैं। उद्धव जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धव जी ने कहा था मैं 3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। जरूर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाइए। उद्धव जी का जो है रथ, उद्धव जी की वेशभूषा सांवले वर्ण के हैं, मुकुट पहने हुए हैं, जैसे भगवान कृष्ण की वेशभूषा है वैसे ही उद्धव जी की वेशभूषा है, वैसे ही अलंकरण में सुसज्जित हैं, वही धोती पहनी हुई है। हे कृष्ण तू कितना निष्ठुर है, इतना निष्ठुर मैं था, तू आज तक इनके पास नहीं आया, 3 महीने में मुझे भेज रहा है, मुझे तूने जो है इनके बीच क्यों भेज दिया, मेरी तो अब यहाँ बुरी हालत होने वाली है। राधा रानी कहती हैं पहले गोपियों से मिलो, गोपियों से बात करो, गोपी अगर तुमसे जो है बात कर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये उद्धव वैसे वो आजकल किसी से बोल नहीं रही हैं, मैंने तो तुम्हें कृष्ण के समान ही देखा है, उन्हीं की आकृति तुम्हारे शरीर में विद्यमान है, सांवला तुम्हारा वर्ण है, मोहन के जैसे ही तुम दिखाई दे रहे हो। कभी वृंदा कभी गोकुल कभी मथुरा को जाते हैं, मदन मोहन सघन वन में मधुर मुरली बजाते हैं, मदन मोहन बजाते हैं, मधुर मुरली बजाते हैं। मदन मोहन सखने वाले
गाते हैं। जय हो, भगवान ने मेरा ये रूप बना दिया, आज से वो मेरा मित्र नहीं, कृष्ण नहीं, वो तो परमात्मा है। हे बाबा, उसे बहुत काम करने हैं हमें। उस धरती पर गया है, मथुरा की धरती पर, और इस विश्व में अत्याचार हो रहे हैं, राक्षस अभी भी विद्यमान हैं, मनुष्यों के रूप में राक्षस ही विद्यमान हैं, उनका भी उद्धार उसने करना है। हम मुझे आज्ञा दो, मैं मथुरा को जाता हूँ। राजाओ, आपका कोई संदेश था? मेरा कोई संदेश नहीं है। राधा ने तुमको संदेश दिया होगा। राधा ने कहा था तुम्हारा और मेरा नाम अमर रहे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। सब कहते हैं भगवान के 108 नामों का उच्चारण करते हैं वहां पर, जैसे आजकल ये भी वृंदावन की भूमि है, ये ब्रज है, ये मथुरा है, कुछ माताएं 108 परिक्रमा लगा रही हैं। वैसे परिक्रमा था तो वो बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम देख रहे हैं अभूतपूर्व क्या हुआ है। हम आए हैं यहाँ भगवत कथा सुनने के लिए, और यहाँ पे जाओ, उसके साथ जितने रुक्मणी का हरण किया है युद्ध करके आओ, वापस मत आना। फिर तो नजदीक है, वहां से निकल गए, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को भी गाली देने लगे। ब्रह्मा ने कहा मैं सारा जब विश्व के सस्ता हूँ, जनक हूँ, तुम मुझे काली क्यों दे रहे हो? क्या बात है, कोई क्या बात हो गई ऐसे? अगर कुछ बात ऐसी थी तो मैं श्राप देना जानता हूँ, फिर कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ, भाग जाओ। और भाग गए, क्षीर सागर में आए, वहाँ बोला कुछ नहीं और भगवान की छाती पर लात मार दिया। भृगु ब्राह्मण रहीम हरि को घटो जो भृगु मारीला, कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की ओ कान्हा तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की ओ कान्हा तेरे नाम की, मैं दिल पलकों पे कृष्ण मेरे पलकों पे कृष्ण मेरे अलकों 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 पे कृष्
तो बाकी देखो अभी मैं भागवत कथा सुन के आ चुका हूँ वापस अपने घर के लिए, क्योंकि आजकल शाम को ना डेली कुछ ना कुछ काम पड़ रहा है शाम को, तो मैं आज काफी जल्दी आ गया था, 1 बजे यहाँ पे आ गया था। और बाकी देखो मन मतलब भागवत कथा सुन के ना मन मोहित हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है भागवत कथा सुन के। आप लोग भी सुनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक विपिन पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दे और ढेर सारा प्यार दीजिए। देखो यह है चौखंबा पर्वत, सुंदर सा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। और बाकी अगर ऊपर की बात की जाए, ऊपर देखो केदारनाथ के पर्वत, ठीक यहाँ से देखो उखीमठ का बाजार इतना सुंदर सा लगता है ना, प्यारा लगता है। ये है उखीमठ मार्केट, और आपको ये बताता हूँ यहाँ से दिखता है ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ पे ये देखो ओमकारेश्वर मंदिर का टॉप दिखाई दे रहा है, तो ये है ओमकारेश्वर मंदिर। बाकी देखो हमारे यहाँ पे भाई साहब मिले हैं जो कि भागवत कथा सुन के वापस आ गए। आप जल्दी क्यों आए? थोड़ा अच्छा, कुछ काम, थोड़ा बहुत काम होगा। हाँ, काम तो ठीक है, बड़ा आनंद आया भागवत कथा में, वो तो है, आनंद आ जाता है भागवत कथा सुन। चलो फिर तो बाकी अभी देखो मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुका हूं और अब यहां से फटाफट स्टार्ट करता हूं और फिर निकल जाते हैं। तो बाकी देखो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर में, तो आज दोपहर को मैंने कुछ नहीं खाया था तो मैगी बनाता हूं और मैगी खाता हूं। तो बाकी मेरी माता जी यहां पे जो दाल है वो साफ करी है, रेस और तोर की दाल, रेस की दाल उधर है ये सामने और ये है तोर की दाल, ये पहाड़ी दाल है और इसको साफ कर रही है छान छून के। तो बाकी इसमें ये साफ कर रखी है तूने? अच्छा चलो। तो बाकी आज भागवत कथा में काफी ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज तो कल है भागवत श्रीमद भागवत महापुराण कथा का समापन है, तो और कल ब्रह्म भोज भी है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी गुप्त काशी के केदार घाटी के सभी लोगों का स्वागत है भागवत कथा में ब्रह्म भोज के लिए। जय श्री राम। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय केदार बाबा, हर हर महादेव, जय श्री राम।